माफिया सरगना अतीक अहमद का भाई अशरफ, जिसे वापस बरेली जेल ले जाया जा रहा है। आगे आगे प्रयागराज पुलिस का वज्रवाहन चल रहा है और उसी के साथ आई इंडिया टीम भी चल रही है। जब बरेली से प्रयागराज ले जाया जा रहा था, उस दौरान भी आई इंडिया की टीम ने आपको दिखाया था कि कैसे अशरफ को ले जाया जा रहा है। और फिर एक बार अशरफ का वो जो काफिला है वो दिखाना चाहेंगे कि आगे आगे पुलिस चल रही है। अटरिया पुलिस है और इससे पहले इटौंजा पुलिस थी, कुछ देर के लिए रोका भी गया था काफिले को। और जब काफिले को रोका गया था तो उस दौरान कुछ धड़कने जरूर स्वाभाविक रूप में अशरफ की बढ़ गई, लेकिन पता चला कि काफिले को इसलिए रोका गया, ड्राइवर चेंज होना था। तो वज्र वाहन के ड्राइवर को इटौंजा टोल प्लाजा क्रॉस कर जो है चेंज किया गया। और उस दौरान मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने का प्रयास किया, हमने भी बातचीत करने का प्रयास किया, तो अशरफ बोला कि उसे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। आपको बता दें कि इलाहाबाद के विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण मामले में कोर्ट में पेश किया गया था, एमपीएमएलए कोर्ट में अशरफ को ले जाया गया था, जहां पर उसके भाई को सजा हुई है उम्र कैद की। माफिया अतीक अहमद को सजा होने के साथ ही जो अशरफ था उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो ऐसे में फिर से वापस बरेली की जेल उसे भेजा जा रहा है। ये NH-24 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सीतापुर से होकर गुजरा है और ये दिल्ली तक जाता है लखनऊ से, इसी मार्ग से होकर अशरफ को ले जाया जा रहा है। ये वज्र वाहन है जो आगे आगे चल रहा है और हम दिखाना चाहेंगे कि इसी वज्र वाहन से अशरफ को ले जाया जा रहा है। आज उसे बड़ी राहत कही जाएगी कि वो बरी हुआ है, लेकिन अभी धड़कने तब तक उसकी बढ़ी हुई रहेंगी जब तक वो सकुशल जेल नहीं पहुंच जाता है और जेल में उसे दाखिल किया जाएगा। देर रात तक बरेली जेल पहुंच जाएगा। ये सीतापुर में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ शाहजहांपुर की सीमा में प्रवेश करेगा और उसके बाद फिर बरेली उसे ले जाया जाएगा। और लगातार आई इंडिया की टीम आपको दिखाती रहेगी पल पल की न्यूज। और आपको बता दें कि आज अशरफ के लिए बड़ा दिन साबित हुआ जब वो बरी हुआ। हालांकि अतीक को जब सजा हुई तो अतीक और अशरफ दोनों मिलकर खूब रोए। अतीक अहमद को गुजरात की जेल से लाया गया था और अशरफ को बरेली जेल से लाया गया था प्रयागराज, जहां पर सुनवाई के दौरान सज गई, जिसमें अशरफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसलिए पुनः वापस उसी बरेली जेल में उसे भेजा जा रहा है। कई वर्षों बाद सजा सुनाई गई है और निसंदेह ऐसे में जो है आज अशरफ को बड़ी राहत मिली। और उसी अशरफ के काफिले में आई इंडिया की टीम लगातार चल रही है और हम और हमारे कैमरामैन हसन गोगा इसी टीम में शामिल हैं। हमने जब जाते हुए भी दिखाया था और अब वापसी जब हो रही है तब भी अशरफ को लगातार कवर करता हुआ आई इंडिया आपको दिखा रहा है पल पल की अपडेट। तो बने रहिए आई इंडिया के साथ, आगे जैसे ही कोई नई गतिविधि आती है हम जरूर आप तक हर एक खबर पहुंचाने का काम करेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।